अब देखो जीपी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस था कि कुछ ऐड करते जाना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करते जाना है, यहां पर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे या कुछ डिवाइड करोगे, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे वो फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे वन फिर थ्री, तो वन से थ्री पहुंचने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो फिर थ्री के आगे आएगा नाइन, फिर नाइन के आगे आएगा 27, फिर आएगा 81, इस तरह से। तो ये बन जाएगा एक जीपी। ऐसा भी हो सकता है वन हाफ, वन बाय फोर, वन एट, वन बाय सिक्सटीन एंड सो ऑन, दिस आल्सो अ जीपी। यहां पर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अगेन ए वन है और आर की वैल्यू थ्री है। आर इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब वही कॉमन फैक्टर जो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां पर ए मैंने वन लिया है और आर को लिया है हाफ, ऑलराइट। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग जीपी, डिसेंडिंग या फिर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब ये वैल्यू खत्म हो रही है, आगे जाके नेग्लिजिबल हो जाएंगे, एंड दिस इज असेंडिंग। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मीन्स द वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन एवरी टर्म, ठीक है। अच्छा, अब जीपी में जो हमारा मेन चीज होता है, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे कर करके ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका भी जो nth टर्म होगा वो ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं, r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, दिस इज व्हेन r इज ग्रेटर देन वन। Sn कैन आल्सो बी a वन माइनस r टू द पावर n अपॉन वन माइनस r, दिस इज व्हेन मॉड r इज लेस देन वन। एंड थर्ड इज इनफाइनाइट टर्म्स का सम, दैट इज a अपॉन वन माइनस r, दैट इज ओनली वैलिड व्हेन मॉड r इज लेस देन वन। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से बना है। सबसे पहले नोट करिए आप लोग, तो वो एस इनफिनिटी क्यों लिखा है? इनफाइनाइट टर्म्स का समय बेटा। ओके सर।
सर डन हो गया सबका. यस सर. ओके अब इसका हमको 10th टर्म निकालना है. 10th टर्म कैसे निकालेंगे? ए वन है, आर का वैल्यू टू है, तो टी टेन क्या होगा? ए आर टू द पावर एन माइनस वन यानी टू टू द पावर नाइन. और एस टेन निकालना है, तो एस टेन कैसे निकालेंगे? ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट विल बी टू टू द पावर टेन माइनस वन. तो इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, नोट करो. सर नोट हो गया. एक सेकेंड. Suppose there is a GP 3, 3 by 2, 3 by 4 and so on. ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड फॉर एस एन टू बी 3069 अपॉन 512. एक बार ट्राई करो जरा, कितने टर्म्स चाहिए ये बनाने के लिए, इतना सम बनाने के लिए.
सर 10 सर 10 10 होगा आंसर. देखो इसका ए 3 है और आर इज हाफ. ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512. ये हाफ के ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा. ये 6 यहां ले जाते हैं 21023, तो ये हो जाएगा 1023 अपॉन 1024. तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो हाफ टू द पावर एन विल बी 1 अपॉन 1024. दैट मींस 2 टू द पावर एन इज 1024, दैट इज 2 टू द पावर 10. तो एन का वैल्यू विल बी 10. यस सर. ठीक है, ओके. एक मिनट का लास्ट स्लाइड. Okay, so thank you. Okay. फिर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें ऐसा. ऐसे दे दिया मान लो. बोल रहे इसका सम निकालो. यहां पर ध्यान रखना जब ये रेपिटेटिव डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा ना तो कोई भी डिजिट हो उसमें आप सबसे पहले वो डिजिट कॉमन ले लो. इसके बाद इस सीरीज में 9 बाहर लिखो और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो. हमेशा यही करना है. नाउ राइट दिस 9 एज 10 माइनस 1, दिस एज 100 माइनस 1, दिस एज 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन. और 111 एन टाइम सब्ट्रैक्ट होके एन आ जाएगा. बस दिस इज योर आंसर. ऐसे आंसर आ जाएगा. नोट करिए.
स्तर हो गया। इस तरह से टर्म सिलेक्शन करना है आपको। सर सिलेक्ट करने आज ऐसे बोला थ्री टर्म्स आर इन जीपीए, अभी क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया सर? यस सर। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया है
find A and R. तो थ्री टर्म्स आपको बताया था मैंने, आप ये लोगे. और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे आगे आपकी आर की वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर या माइनस फोर बाय थ्री, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता. टर्म्स बनाने तो लास्ट में टर्म्स बना दीजिए, कोई एक आर लेके टर्म्स बना दीजिए. नोट कर लिया? सॉरी एक मिनट. So done. Acha. लिखो इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, ई थ्री इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192 टी सिक्स. फाइंड टेंथ टर्म टी टेन एंड एस टेन.
ये दो बताने आपको। बोलो बेटा। सर क्या क्या फाइंड करने हैं? T10 और S10। ओके सर। सर T10-3072 है, NS10-6138। T10-3072 है, NS10-6138। अभी देखते हैं। AR स्क्वायर का वैल्यू 24 है और AR5 का वैल्यू 192 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R क्यूब का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी R का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो A का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो T10 विल बी 6 × 2⁻⁹ एंड S10 विल बी 6 × 2⁻⁡ −1/2−1, सो 6 × 2⁻³⁰, तो 6,138। ये 512 × 6 = 3072। ये आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है, अब इसकी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो और कहां तक करना है वो बता रहा, अभी पूरा पढ़ाया नहीं है मैंने, क्योंकि एक एक करके करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। मैंने ज्योमेट्रिक मींस नहीं पढ़ाया आपको, उससे आगे पहले तक का पढ़ा दिया, और रिलेशन बिटवीन AM GM नहीं पढ़ाया। तो 9.3 में क्वेश्चन
क्वेश्चन 25 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अभी ऑल्टरनेट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, 25 तक करना है आपको। ओके सर।
और है क्वेश्चंस बेटा? हेलो, यस सर, क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा? यस सर, हो रहा है।
ठीक है बेटा, अब आप लोग कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू, बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you.